तो जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं, सेट हैं, मजे और फर्स्ट क्लास में। तो गाइज कुछ आज का व्यू ऐसा है, ये मेरे गांव आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब बरसात का मौसम आने वाला है तो पेड़ खिलने वाले हैं और हमारा गाँव फिर से ढकने वाला है। तो गाइज आज का कुछ ऐसा सीन है कि आज हमारे घर के बगल में हो रहे हैं जागर, मतलब हमारे ही जागर है और देवी देवताओं को जो हम पूछते हैं ना भाई, मतलब उत्तराखंड में तो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूजते हैं। बाकी आज ऐसा ही पूजा एक हमारे घर में भी है, तो आप उसका आनंद लेना, उसके मजे लेना। बाकी जो भाई साक्षात देवी देवता किसी मनुष्य पे आते हैं ना भाई, क्या ही नज़ारा रहता है, वो आपको दिखाऊंगा मैं आज। बाकी अभी हम जा रहे हैं पंचायत भवन में, वहाँ से हम लाएंगे टेंट का सामान लाना है और दरी दूरी बहुत सारा सामान लाना है, क्योंकि हमें सारी व्यवस्था करनी है और इस व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कि हमारे पंचायत भवन में रहती है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से सामान उठा के लाएंगे, फिर उसे टेंट को लगाएंगे, आपको पूरी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। और अभी चलते हैं। और ये मेरा जैकू हमेशा बस सोते रहता है भाई, तो कुछ काम भी करता है, है? सोते रहेगा, अरे सोते रहेगा तू, कुछ काम भी करें तीले, कुछ काम नहीं करने है, करता रहता है बस। बाकी गाइस सामने वाले पलछाल में पानी की बहुत किल्लत चल रही है और हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम फोर्स से पानी आ रहा है, तो यहाँ से हमने पानी को ट्रांसफर कर रखा है हवा टू हवा में, बिल्कुल हवा में पानी को ट्रांसपोर्ट कर रखा हमने। और वहाँ सामने टंकी टुंकी भरी जा रही है क्योंकि परसों अगले दिन भंडारा भी है यहाँ, तो भंडारे के लिए और भी चीज़ें करी जा रही है। बाकी अभी चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कैसा माहौल है और कैसा नहीं। बाकी नए नए लोगों से भी मिलाऊंगा, मेरे चाचा लोग दिल्ली से आए हैं, मेरी दीदी लोग, बुआ लोग, बहुत सारे दिल्ली से आ रखे, कुछ देहरादून से आ रखे हैं, कुछ कहीं से आ रखे हैं, तो आप सब को उनसे मीटअप भी कराऊंगा और बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो ये हो रखा है पानी ट्रांसपोर्ट भाई, ये देखो आप ये देख रहे होंगे ना, ये पूरे पाइपलाइन आ रही और यहाँ से देखो ये जुड़ रखी है और ये पाइपलाइन जा रही है हमारे सीधे चाचा के यहाँ, और हमारे चाचा जी पाइपलाइन चेक करने आ रखे हैं। चाचा श्री प्रणाम, कहाँ जा रहे हो चाचा जी? अच्छा, तो चाचा जी पूजा की तैयारी करने के लिए वहाँ घर पे जा रहे हैं और वहाँ पे चेकआउट करने जा रहे हैं, साथ में हमारे दादाजी भी जा रहे हैं, दादाजी को राम राम। तो दादाजी भी जा रहे हैं, बाकी हम वहाँ पे काम करने जाते हैं और जल्दी से सामान लाते हैं वहाँ से, क्या कहते हैं, पंचायत भवन से। तो हमें पंचायत भवन से जल्दी से सामान लाते हैं, फिर वहाँ पे हम भी काम करेंगे और टेंट टूंट लगाएंगे। तो सामान भी रख लिया है और ये सबके सब तैयार। देरो टिंगू जा कंदम ले जाओ, ले जाओ, चलो 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 चलो। तो बाकी हम मिले जाएंगे इसे। तो गाइस अभी मेरे को मेरा भाई मिल चुका है, और भाई कैसे हो, सब बढ़िया? तो भाई हमें दिल्ली से मिलने आ रखा है, और बाकी यहाँ पे दिल्ली पे बहुत गर्मी हो रखी है भाई ने कहा मेरे को, तो कितनी गर्मी हो रही है बताओ भाई? बहुत गर्मी हो रही है यार, एसी से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, तो गाइस मेरा भाई है तो ये कुछ कहना चाहेगा आपसे, तो बताओ भाई क्या कहना चाहोगे आप? गाइस आप इनका चैनल देखते हैं, मेरा भी चैनल देखिए, और इतना रावत रॉक्स शॉर्ट्स पे ओके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइस भाई का चैनल है यूट्यूब पे आदित्य रावत रॉक्स करके, तो भाई के चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको और लोगों से भी मीटअप कराता हूँ मैं। हेलो, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो आप? बाकी गाइस देखो, ये देखो चीनू, चीनू हेलो, हाय बोल दो, हाय तो हमारी चाची है और उधर भी सब चाची चाची हमारी, ये मेरी बहन है बीच वाली, तो आप जानते होंगे हमारी चाची प्यारी चाची, बाकी उधर भी हमारी चाची। और ये मोनी, ये अभी रील बना रही थी हमारे साथ, अभी इंस्टाग्राम पे देखना आप, लहरा देंगे अभी। मेरे करो। तो गाइस मैं आपको एक नीरज भाई के बारे में सीरियस बताना चाहता हूँ, ये हम बच्चों को बहुत मारते हैं। ओ भाई कम मारा, कम मारा। अगर आपको फुल्फी का
चाहिए मेरे चैनल में आदित्य रावत व्लॉग्स पे, मैं उनको एक्सपोज करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय। हमने टेंट वेंट भी लगा लिया है रात्रि जागर के लिए, और बाकी यहाँ पे ये चीजें बिछा ली हमने, और अभी क्या कहते हैं, अभी कहेंगे कि दूसरी साइड में भी लगाना है ये, तो इधर इधर भी लगा देंगे हम। तो पूरी व्यवस्था कर दी है, और लगभग टाइम 7 बज चुके हैं, और थोड़ी देर बाद मतलब 10-11 बजे के लगभग यहाँ पे जागर स्टार्ट हो गए। पहले खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो हम देवी देवताओं को पूछते हैं, देवी देवताओं को पुकारेंगे, और साक्षात एक मनुष्य पे मतलब एक इंसान पे आएंगे, अलग अलग देवी देवता, तो आपको भी बताएंगे, और मैं बताते जाऊंगा आपको कि कौन कौन से देवी देवता आ रहे हैं।